अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। टू की एक्सपोनेंट पावर एक्स माइनस सिक्स और 1001, टू की एक्सपोनेंट पावर फाइव और 1002, और टू की एक्सपोनेंट पावर फोर और 1003। स्टूडेंट ये देखिए, ये 3 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x-6 और 1001 प्लस 2x-5 आवर 1002 प्लस 2x-4 आवर 1003 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब इनको मैं सेपरेट सेपरेट करता हूँ। कैसे? ये देखिए, ये 2x-6 1001-1 प्लस 2x-5 आवर 1002-1 प्लस 2x-4 आवर 1003-1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये देखिए, -3 को मैंने ब्रेक कर लिया, -1 इसमें ऐड कर दिया, -1 इसमें ऐड कर दिया और -1 इसमें ऐड कर दिया। अब इन दोनों का एलसीएम करते हैं। तो ये देखिए, ये 2x-6 ये -1001 आवर 1001 प्लस 2x-5 -1002 आवर 1002। अब इसका एलसीएम करते हैं, प्लस 2x-4 1003 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1003 आवर 1003 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आप इसको प्लस माइनस करते हैं, 2x इनको करेंगे -1007 आवर 1001 प्लस 2x-1007 आवर 1002 प्लस 2x-1007 आवर 1003 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया स्टूडेंट? स्टूडेंट ये देखिए, ये तीनों रकमें सेम है, इसको आप कॉमन ले लें, यानी 2x-1007 और बाकी आपके पास 1 आवर 1001 प्लस 1 आवर 1002 प्लस 1 आवर 1003 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2x-1007 आवर 0 आवर 1001 प्लस 1 आवर 1002 प्लस 1 आवर 1003। तो स्टूडेंट जब इसको 0 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, यानी 2x-1007 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, 2x इक्वल है 1007, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।